बॉबी लैशली का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा फॉर द WWE चैंपियनशिप एंड फाइनली रेसलमेनिया 37 में होंगे फैंस और नेक्स्ट वीक रॉ के लिए कुछ मैचेस अभी से कंफर्म हो चुका है और AEW का नेक्स्ट पेपरव्यू कौन सा होने वाला है और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो से चिपके रहिए, चैनल पे नहीं है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज मंडे नाइट रॉ पे हमने देखा, यहाँ पे कमेंटेटर्स ने कंफर्म कर दिया कि रेसलमेनिया इज बैक इन बिजनेस, मतलब इस साल रेसलमेनिया में होंगे फैंस एंड रेसलमेनिया की टिकट्स नेक्स्ट वीक से ही सेल पे चली जाएगी और रेसलमेनिया की टिकट की प्राइस होंगे $30 to $2,500 के बीच में और यहाँ पे दो दिन के लिए ही टिकट मिलेगी। तो लेट्स सी इस साल रेसलमेनिया विथ फैंस कैसा जाता है WWE का। बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में, तो बॉबी लैशली का और मीज का चैप्टर आज मंडे नाइट रॉ पे खत्म हो चुका है। अब बॉबी लैशली को चाहिए होगा उनका न्यू ओपोनेंट फॉर द WWE चैंपियनशिप और ये ओपोनेंट और कोई नहीं हो सकते हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि हमने देखा था आज जब रॉ पे मैच चल रहा होता है ड्रू मैकइंटायर उस मैच को देख रहे होते हैं, तो इससे तो ये बात क्लियर है कि ड्रू मैकइंटायर ही होंगे बॉबी लैशली का नेक्स्ट ओपोनेंट। तो लेट्स सी इन दोनों का मैच क्या डायरेक्ट रेसलमेनिया में होता है या फिर उससे पहले किसी रॉ में। इसके अलावा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ चैंपियनशिप मैचेस कंफर्म हो चुका है अभी से, जिनमें से एक है एक US चैंपियनशिप के लिए जहां पर रिडल अपने US चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मुस्तफा अली। तो लेट्स सी क्या मुस्तफा अली बन पाते हमारे न्यू US चैंपियन। इसके अलावा रॉ टैग टीम टाइटल यहाँ पर हार्ट बिजनेस डिफेंड करेगी अगेंस्ट न्यू डे, तो लेट्स सी क्या न्यू डे यहाँ पे हरा देगी हार्ट बिजनेस पर बन जाएगी हमारी न्यू टैग टीम चैंपियन। नेक्स्ट बात करते हैं आज रॉ पे हुई शेमेस एंड ड्रू मैकइंटायर की ब्रूटल मैच के बारे में। तो आज रॉ पे हमने देखा शेमेस एंड ड्रू मैकइंटायर ने फिर से एक बार एक बढ़िया मैच दिया, वो भी नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच और यहाँ पे बड़ी बड़ी वेपन्स भी यूज किया दोनों ने। तो मैच के एंड में यहाँ पर अगर आप ये दो पिक्चर देखेंगे तो देख सकते हैं ड्रू मैकइंटायर एंड शेमेस दोनों का हाल कैसे हुआ है। तो लेट्स सी आगे WWE स्टोरी को कैसे प्रोग्रेस करती है और क्या फास्ट लेन में इन दोनों का एक फाइनल मैच होता है कि नहीं, क्योंकि रेसलमेनिया में मुझे लगता है ड्रू मैकइंटायर को एक बड़ा मैच मिलेगा शायद अगेंस्ट लैशली और कोई न्यू ओपोनेंट। तो लेट्स सी इन दोनों का मैच फ्यूचर में हमें कब देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं NXT के बारे में। तो आज रॉ पे हमने देखा विलियम रिगल इस वीक NXT में दो मेजर अनाउंसमेंट करेंगे जो पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर देगा NXT का। तो स्पेकुलेशंस का माने तो यहाँ पे विलियम रिगल NXT वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप मैच को लेके एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं और अनाउंसमेंट कर सकते NXT टेक ओवर जो होने वाले रेसलमेनिया से पहले, वो शायद दो नाइट का होगा या फिर NXT विल फाइनली मूव ऑन टू ट्यूजडे स्लॉट्स। तो लेट्स सी यहाँ पे विलियम रिगल इस हफ्ते कौन सी दो मेजर अनाउंसमेंट करती है जो NXT का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं AEW का नेक्स्ट पेपरव्यू के बारे में। पर कल AEW रेवोल्यूशन में AEW ने अनाउंस किया कि उनका नेक्स्ट पेपरव्यू होने वाला है May 30th को और उस पेपरव्यू होगा डबल और नथिंग। तो लेट्स सी डबल और नथिंग के लिए AEW कैसे बड़े बड़े मैचेज यहाँ पे बुक करती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कीथ ली के बारे में। तो आज रॉ खत्म होने के बाद यहाँ पे कीथ ली ने एक ट्वीट किया जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, जहाँ पे कीथ ली हमें लग रहे हैं बहुत ही सैड, क्योंकि शायद स्पेकुलेशन के माने तो कीथ ली अभी भी इंजर्ड है यानी उनको कोविड के लिए भी बाहर किया जाए। तो लेट्स सी कीथ ली कब आते हैं वापस। तो यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।